अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी गाइस, आज मैं और मेरी बहन हम बनाने वाले थे मिलके गोलगप्पे। और ये वाला जो बॉक्स है ना गोलगप्पों का, मैं लाई थी पाकिस्तान से, क्योंकि जिस सिटी में हम रहते हैं ना सोनिया की, वहाँ पर ईज़िली गोलगप्पे नहीं मिलते। तो मैंने सोचा मम्मा के लिए ये वाला बॉक्स लेकर जाती हूँ, और किसी दिन अगर टाइम मिला तो ये वाला बॉक्स एक दिन ज़रूर ट्राई करूँगी, बना कर दिखाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। सो गाइस, आज मैं कम्प्लीटली शॉक हूँ कि मेरी बहन गोलगप्पे बना रही है। सो लेट्स सी कैसे बनते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई है। तो आज मैं अपनी बहन का सपोर्ट करूँगी, आई विल सपोर्ट हर और उनकी मदद करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे आपको मेरी बहन अब इंग्रेडिएंट्स बताएंगी। वैसे तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसमें पानी का मसाला है और बारीक सेवियाँ हैं, मीठी चटनी है, ठीक है, और बूंदी भी है कुछ, ठीक है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स काफ़ी दिए हुए हैं आपको, पूरियों की वो जो पूरी होती है वो भी दी हुई है, ठीक है। निकाल के बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ऑलरेडी मौजूद और क्या क्या चाहिए। तो पहले ये क्या था, ये क्या है? आई डोंट नो क्या है। ये कुछ है पापड़ी वगैरह शायद, वो हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। और ये है पानी पूरी, यानी ये है गोलगप्पों का ये मसाला, इससे गोलगप्पे बनते, बस इतना समझ। और यहाँ पे मेरा फेवरेट पार्ट, खट्टा। एंड दिस इज क्रंची चीज, दिस इज क्रंची थिंग। और ये हम आपको खोल के दिखाएंगे इसको बाउल्स में डालते हुए, फिर हम आपको बताएंगे ये है क्या। और यहाँ पे मेरी बहन गरम गरम आलू छील रही है चाट में डालने के लिए। समोसे नहीं, गोलगप्पे हैं, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर अब हमने गोलगप्पे की जो फिलिंग है उसको बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर हमने काट लिए थे आलू, और यहाँ पर साथ ही में हमने काट लिए थे प्याज, जो कि बहुत ज़्यादा रुलाने वाले थे। तो गाइस, में हमने चने आलू टमाटर प्याज, इधर करो जूम, नमक नींबू और चाट मसाला डाल दिया है। तो जी गाइस, बाकी की इंग्रेडिएंट्स डालते हुए कि वीडियो तो नहीं बनाई, पर ये थी कंप्लीट फिलिंग की वीडियो। और गाइस, अब यहाँ पर था सबसे मुश्किल काम, जो कि था पूरियों को तलना। और मेरी फर्स्ट पूरी ही इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और ये थी बाकी की पूरियों की वीडियो। और यहाँ पर साथ ही साथ में हमने जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स थे वो बाउल में निकाल लिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइड वाली बूंदी और बारीक सेवियां भी हमने बाउल में निकाल ली थी। यहाँ पर हम मीठी चटनी डाल रहे हैं, एंड हियर आई। तो जी गाइस, गोल गप्पे बनाना कोई आसान काम नहीं था, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्राई थी और हमें गोल गप्पे बनाने नहीं आते, मैं आपको यकीनन बोल रही हूँ। बेशक एवरीथिंग वाज गिवन इन द बॉक्स, पर फिर भी थोड़ा मुश्किल था। अब हम बना रहे हैं गोलगप्पे का खट्टा पानी, जिसे बनाना बहुत आसान था क्योंकि हमें खट्टे पानी का मसाला ऑलरेडी गिवन था। और यहाँ पर मेरी बहन ने छोटे जग में खट्टा पानी बना लिया, जबकि उसे बड़े जग में बनाना चाहिए था। तो ये गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा छोटे जग में बना लिया था, पर हमने इसको ठीक कर लिया था बाद में इस बड़े पतीले में डाल के। और गाइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये बूंदी किस काम के लिए है। तो जब मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था ना, तो मैंने मम्मा को बुलाया और मैंने मम्मा को सरप्राइज़ दिया कि ये सब रेडी है। तो मम्मा कहती बूंदी पानी में डालो। और गाइस, यहाँ पर मैंने गोल गप्पों की फिलिंग करनी शुरू कर दी थी, आप लोग देख सकते हैं। और इसको करते वक्त बाकी में बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मेरी बहन ने आलू बहुत मोटे काटे हैं। बहन ने काटे तो बहन से काटे काटे तो गाइज, ऐसे करते करते इतने ज्यादा गोलगप्पे थे कि ना अब आके हाथ भी थकने लगे थे, कि मतलब इतने ज्यादा गोलगप्पों की फिलिंग, मतलब आप सोचें, उसके बाद सारा गोलगप्पों की फिलिंग करने के बाद हमने टेबल अरेंज किया था। यहाँ पर मेरी बहन अब्बू को डांट रही थी, बहुत डांट रही थी मेरी बहन। और गाइस, यहाँ पर हमारा मस्ती मजाक, लेकिन यहाँ पर मैंने गोलगप्पे की जो ये दही वाली चटनी और ये डालने के लिए ना बाबा की हेल्प भी ली थी कि बाबा आप डालना शुरू करें थोड़ा थोड़ा। और गाइस, यहाँ पर ये थी मेरी गोलगप्पों की फाइनल लुक, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं।
और गाइज यहाँ पर सबने गोलगप्पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, सबसे ज़्यादा तो मामा को बहुत पसंद आए थे गोलगप्पे। और गाइज यहाँ पर हम सब लोग निकले थे बारिश को इंजॉय करने के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही और आप बाहर ना जाओ और इसे इंजॉय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी गाइज यहाँ पर बारिश हो रही है और साथ में आप आइसक्रीम ना इंजॉय करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम भी आ गए थे आइसक्रीम को इंजॉय करने और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक। पाक सरजमीन शाबाश। और गाइस यहाँ पर आप सबको हम सब की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और गाइस बाहर बारिश बहुत हो रही थी तो यहाँ पर हम मॉल आ गए थे और यहाँ पर सबने खाना खा लिया था, लेकिन रात को 1 बजे मुझे और मेरी बहन को हमें इतनी ज़्यादा शदीद भूख लगी कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। और यहाँ पर मैं अपनी बहन से ज़िद करी थी चलो बर्गर बनाते हैं, क्योंकि हमने करनी थी गेमिंग नाइट इंजॉय बर्गर और पेप्सी के साथ, बस फ्राइज़ की कमी रह गई थी। और गाइस यहाँ पर मेरे नगेट्स गोल्डन फ्राई हो चुके थे, बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके थे, तो अब थी कमी बर्गर्स बनाने की, तो हम अब बर्गर्स के लिए अपनी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बर्गर को काट लिया था, बहुत आसान है ये तो सबको ही पता है, लेकिन उसके बाद ना हमने बनानी थी बर्गर्स की सॉस जो हमने बर्गर पे लगानी थी, तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पर मायो केचप और चिली सॉस ली थी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बन गई थी, लेकिन साथ में ना मेरी बहन ने इसमें बारबेक्यू सॉस भी ऐड की थी। तो गाइस मेरा तो ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन आप लोगों ने भी एक बार ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है कि आप लोगों को ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। तो जी गाइस यहाँ पर मेरी सॉस रेडी हो चुकी थी, बर्गर पे लगा दिया, उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है बहुत इजी है, नगेट्स रख लिया और इसके ऊपर चीज़ स्लाइस। और तो जी गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे बर्गर की रेसिपी कितनी ज़्यादा इजी है, मैं कितनी ज़्यादा इजी रेसिपी देती हूँ, मैं कोई भी हार्ड वर्क नहीं करती, सन बात दे रहे हम ठीक है ताकि लाल हो जाए तो हमारे पेड़ में जाए। What is happening? Burger is happening. साथ में गुड़गुड़ी happening. तो जी गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा easy peasy burger रेडी हो चुका था और ये बहुत ज़्यादा easy था, तो हमने बहुत enjoy किया इसको बनाते हुए भी। तो गाइस ये थी हमारी gaming night की छोटी सी video, और अगर आपको मेरा ये वाला vlog अच्छा लगा हो तो like, comment, share and subscribe ज़रूर कर दीजिएगा। जजाकल्ला।